अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी आज सिस्टर आ रही थी अमेरिका से, और थोड़े दिन पहले मेरे पेरेंट्स आए थे। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारी फैमिली में एक फंक्शन आ रहा है, तो उसके लिए मेरे जो रिलेटिव्स हैं अमेरिका में रहते हैं, तो वो भी आ रहे थे। मेरी खाला भी आ गई हैं, और इसके अलावा आज मेरी सिस्टर आ रही थी और उसको हम लेने के लिए जा रहे थे एयरपोर्ट पे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे खाला के लिए कि खाला आ रही हैं। आ भी काफ़ी अरसे बाद रही थी, आई थिंक 2-2.5 साल बाद वो आ रही थी। तो हम लोग तो एक्साइटेड थे, और हमेशा बहन भाइयों के साथ जो आपकी अटैचमेंट होती है ना, तो आप ही फील कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम सब बड़े हैप्पी थे। बच्चे सो ही नहीं रहे थे रात को, लेट नाइट उसकी फ़्लाइट थी तकरीबन 2-2.5 बजे की। तो फिर बच्चे सोए ही नहीं थे, तैयार बैठे हुए थे कि हमने लेने के लिए जाना है एयरपोर्ट पे खाला को, और फिर हमने बातें छाते करनी है, और उसकी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी है मेरे बच्चों के साथ। तो फिर हम लोग तकरीबन सुबह तक जागते रहे थे, 6 बजे तक ना ऑलमोस्ट हम जागते रहे थे, क्योंकि उनको तो ज़ाहिर है नींद ही नहीं आ रही थी। उसका ट्रैवल की जो थकान वगैरह होती है, उसके अलावा भी टाइमिंग भी काफ़ी चेंज होती है, तो इस वजह से उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी बिल्कुल। बच्चों के साथ बातें वगैरह करती रही, तो फिर काफ़ी देर बाद फिर मैंने कहा कि अब चलो लेट जाओ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसने यहीं पे लाहौर में, उसकी किसी जगह पे अपॉइंटमेंट थी और किसी सलोन में, और फिर उसने वहाँ पे भी जाना था, वहाँ चले जाना था उसने। और मेरी कुछ और कज़न्स भी आ रही थी शेखुपुरा से, तो उन्होंने फिर यहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेना था। तो बच्चे सारे मेरे गए थे मेरे हस्बैंड के साथ, और मैं नहीं गई थी, मैं घर पे रही थी। तो हमारे घर से ना एयरपोर्ट का इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा ही टाइम लगता है। तो फिर मुझे पता था, मैंने कहा कि आप लोगों ने जल्दी आ जाना, तो फिर मैं ना घर पर स्टे करती हूँ, तो आप लोग जाएँ। तो इसलिए फिर मैंने उसको पूछ लिया था। मैंने आज खाने पे कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि वो मेरी सिस्टर कह रही थी कि मेरे लिए खाना बिल्कुल भी ना बनाना, और बस मैं लाइट से चाय वगैरह पीऊँगी, और चाय के साथ फिर मैंने कुछ अरेंज कर लिया था। तो जल्दी से आ गई थी उसकी लैंड जब हो गई थी फ़्लाइट, तो फिर उसने मुझे मैसेज कर दिया था। तो फिर मैंने इनको इन्फॉर्म किया कि फ़्लाइट हो गई है लैंड, और 10-15 मिनट लगे थे, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा उसको बाहर आने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली पाकिस्तान में आ गई थी। तो अब मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी आ गए थे, और सिस्टर भी आ गई थी, और भाई अभी कुछ अरसा पहले ही मिलके गया है, पाकिस्तान आया हुआ था फैमिली के साथ। तो वो अगर तब ना आया होता तो अब उसने ज़रूर आना था। सबसे पहले मैंने ना उसको चाय शाय मैंने रखी सारा, उसका ये फेवरेट पिज़्ज़ा है, ये हमारी एक बेकरी से यहाँ से मिलती, जो कि उसको बड़ा पसंद है। वो पहले जब आती होती थी तो वो हमेशा कहती थी कि ये पिज़्ज़ा फिर मैं खाऊंगी, तो वो इसलिए मैंने बेकरी आइटम्स वगैरह मंगवा ली थी। तो सबसे पहले मैंने उसको प्याज दिया, और वो प्याज से कहते हैं कि हर बीमारी से आपको महफूज रखता है। जब भी आप कहीं मूव होके जाएं, किसी नई कंट्री में जगह पे जाएं, तो सबसे पहले आप प्याज खाएं। उसके बाद बातें शाते की, हम बैठे रहे काफ़ी देर, फिर मैंने सुबह उसे ब्रेकफास्ट का पूछा, तो मैं तो सोई रह गई थी, उसने मुझे उठाया कि उठो आप कोई नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम करो। तो उसको भूख लग रही थी काफ़ी, क्योंकि वो सोई भी नहीं थी सारी रात, और जगह की वजह से, तो फिर मैं तो सो गई थी। और फिर मैंने उसे पूछा, तो कहती मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाना, तो सिंपल मुझे तुम पराठा और ऑमलेट बना दो। तो मैंने उसके लिए पराठा और ऑमलेट बनाया। तो अभी मैंने बेड वगैरह नहीं था किया अपना क्लियर, और तो मैंने उसको नाश्ता वगैरह दिया, क्योंकि उसकी फिर एक जगह पर अपॉइंटमेंट थी, मैंने पहले भी बताया, फिर उसने वहाँ पर जाना था, हमने उसको ड्रॉप करने जाना था, तो फिर वो वहीं से चली जाएगी। मेरी कज़न्स वगैरह सब आ रहे थे, तो उसके लिए फिर मैंने बाद में चाय बनाई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसको चाय का टेस्ट भी अच्छा लगा, क्योंकि वो पहले कह रही थी कि एक जगह मतलब मूव करें ना, तो फिर हमें चाय सबसे पहले अच्छी नहीं लगती, तो कह रही थी कि ये मुझे अच्छी लगी है चाय ना, ठीक है। तो मेरी अम्मी को बल्कि पसंद नहीं आती होती, तो मेरी सिस्टर को ठीक लगी थी, अम्मी को बिल्कुल जब पहले आए ना, तो उनको चाय यहाँ की अच्छी नहीं लगती। तो फिर वो अपने प्लान्स वगैरह बता रही थी कि कुछ उसने डेंटिस्ट का भी काम था कुछ, मैंने कहा फिर हमें वो बहुत कह रहे थे कि साथ ही आप आ जाओ,
क्योंकि मेरी खाला के घर ना उन्होंने दुआए खैर भी रखनी थी, उनके बेटे का निकाह था, तो वो कह रही थी कि तुम भी आ जाओ साथ ही। तो फिर मैंने कहा कि मैं ना अपने काम थोड़े से ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी टेलर का और कुछ बाज़ार का छोटा छोटा काम था, तो फिर वो मैं ख़त्म कर लूँ, तो तुम भी जाके अपनी ना इस तरह की सारी करो, जो आपने पॉलर वगैरह का काम शाम कराना है वो भी कराओ। तो मैंने उसको फिर खैर खैरियत से हम उसको छोड़ आए थे, भेज दिया था। तो फिर मैं अपना लिए घर का कुकिंग करने लगी थी, सालन मैंने कहा बना लेती हूँ सबसे पहले, और फिर मैंने सिंपल सोचा कि मैं चिकन पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, तो मैंने कहा चिकन ही आज बना लेती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स तो बच्चे इतने शौक से खाते भी नहीं हैं और मेरे काम भी बड़े ज़्यादा थे, तो ये जो है ना ये जल्दी से ये वाला सालन बन जाता है, इसका कोई रोला नहीं होता ज़्यादा। और चिकन को मैंने सबसे पहले फ्राई श्राई कर लिया था, उसमें मैंने जो प्याज लहसुन अदरक को ब्राउन किया लाइट ब्राउन, उसको ब्लेंड करके अब मैं उसमें मसाले सारे ऐड कर दूंगी, और इसका अच्छा सा इसको भून भून के ना इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। तो जब मैंने मसाले को सारे को भून लिया, इसमें फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया, और चिकन को अब इसमें डालकर तो इसको अच्छी सी इसकी भुनाई कर लूँगी। तो फिर मेरा दिल था कि मैं थोड़ा सा इसमें आलू वगैरह भी ऐड कर दूँ, क्योंकि लाइट सा शोरबे वाला सालन हो जाएगा, तो इसके साथ फिर राइस ना खाए जाते हैं, वो बड़ा अच्छा एक कॉम्बो बन जाता है। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया, और बड़ा अच्छा सा ये कुक हो गया मेरा जो सालन था ना, कुक नहीं हो गया, बड़ा अच्छा से इसकी भुनाई हो गई। तो बस अब इसको भून छून के तो मैं इसमें थोड़े से आलू ऐड करके तो इसकी भुनाई कर लूँगी, और इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो वीडियोस भी हमारी अब लेट से लेट हो रही हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बाज़ात ना काम शाम इतने इकट्ठे हो जाते हैं, बाज़ार में जाती हूँ तो थोड़ी तैयारी श्यारी कर रहे हैं, तो कुछ और भी चल रहा है। कुछ ही दिनों में फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगली वीडियो में। तो बस ये आजकल अपडेट है, तो मेहमान आ रहे हैं और मेहमानों के साथ भी थोड़ा हम लोग भी बिज़ी हो जाते हैं। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया करें। यहाँ पे मैंने आलू भी थोड़े से ऐड कर दिए थे सालन में, और चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था आलूओं के साथ, थोड़ा सा इसमें शोरबा बना लूँगी और ये शोरबे वाला आलू चिकन मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, आई थिंक ये रेसिपी मतलब आम सी थी बिल्कुल, तो ये बस मैंने रिकॉर्ड की थी तो मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी। तो आज की अपडेट ये थी कि मेरी आज सिस्टर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी कुछ दिन पहले आ गए थे, तो इंशाल्लाह अब मेरा जो नेक्स्ट है वो उनके साथ जाऊंगी, गपशप होगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।